हेलो गाइस, माय नेम इज़ अरुण सिंह नेगी। सो आपका मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ। आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे अकाउंट पे और मेरे पेज पे। सो मैं आज जो करने वाला हूँ वो चेस्ट का वर्कआउट है। वो इसलिए जो बिगनर्स हैं जो जिम में जाते हैं उनको ट्रेनर नहीं मिलता है या उनके जिम में ट्रेनर नहीं है, तो वो उनको पता होना चाहिए कि चेस के दिन में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आज मैं किस चीज़ का वर्कआउट करूँगा, किस किस मसल पे क्या लोड आएगा और कितना वर्कआउट और कितने रैप्स करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वर्कआउट करेंगे उससे पहले हम वार्म अप करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी बॉडी में मसल इंजरी ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले पुशअप्स लगाएंगे 15 के 4 सेट, या आप 10 के 4 सेट भी लगाते हैं अगर बिगनर हैं। अगर आप एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट हैं आप उससे ज़्यादा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, अभी हम फ्लैट बेंच करेंगे। फ्लैट बेंच लाइक हम डबल हेड्स को पुश कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारा मेजर पेक्टोरियल मेजर एंड माइनर दोनों काम करेगा फ्लैट बेंच पे। तो हम बारबेल प्रेस करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो लाइट वेट कीजिए, अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो 8 रैप एंड 4 सेट, अगर बिगनर हैं 15 रैप 4 सेट। अगर बिगनर हैं तो वही 15 से 4 और एडवांस है 8 से 4। सो गाइस, हम अब फ्लाई डंबल्स करेंगे। सो बेंच फ्लैट बेंच लेंगे, हमें डंबल फ्लाई करेंगे। सो आइसोलेशन एक्सरसाइज है, ज़्यादा हैवी वेट नहीं मारेंगे इस पर। 15 रैप 4 सेट अगर बिगनर हैं, अगर आप एडवांस हैं तो 8 रैप 4 सेट। करेंगे पैक डेक फ्लाई। पैक डेक फ्लाई आपको मैं बताऊंगा, आइसोलेशन एक्सरसाइज है। ठीक है, आपके जो पेक्टोरियल मेजर एंड माइनर है पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। आप जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करोगे उतना ज़्यादा आपका मसल पंप अप होगा। आप इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस जरूर रखिएगा हर वर्कआउट में, वो कंपलसरी होता है। बिकॉज आप जब तक इनहेल एक्सहेल नहीं करोगे, इनहेल एक्सहेल बेसिकली आपका ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मसल्स को प्रोवाइड होंगे, तो जाकर आपका बॉडी फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, मसल उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी बनेगा। जो अब हम करेंगे केबल क्रॉसओवर करेंगे, वो हम जितना ज़्यादा माइनर मसल को स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी की शेप अच्छी होगी, जो आपकी भाषा में बोलते हैं कि चेस्ट की गोलाई। ठीक है, तो वो उसके लिए है। आपके जिम में अगर ये केबल क्रॉसओवर मशीन है, पुली पुश डाउन करते हैं जिस पे आप बाइसेप्स कर्ल करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें हम केबल क्रॉसओवर करेंगे। इसमें भी 15 से 4 रैप, 15 से 4 सेट, ठीक है, और 8 से 4 अगर आप एडवांस हैं। इस पर आप पूरा होल्ड करेंगे एंड पूरा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा आप मसल को खींचेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का फ्लो बढ़ेगा, बॉडी का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल अच्छे से निकलेगा। ध्यान रखना है आपको, एक पैर आगे एक पैर पीछे रहना चाहिए।